एक किसान को एक बार अपने खेत के लिए पानी की कमी की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तब उसने अपने एक पड़ोसी से एक कुआं खरीद लिया। अगले दिन जब किसान पानी लेने के लिए कुएं के पास गया, तब उसके पड़ोसी ने कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। तो किसान ने पूछा, क्यों मैं पानी नहीं ले सकता? उसके बाद पड़ोसी बोले, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। तब वो किसान सोच में पड़ गया और सोच रहा कि अब क्या करें। फिर किसान बीरबल के पास गया, जो एक बहुत ही चालाक इंसान था सम्राट अकबर के ज़माने में। पूरा बात सुनकर बीरबल किसान और उसकी पड़ोसी को बुलाकर पूछा, तो पड़ोसी ने वही जवाब दिया। तब बीरबल बोले, मैं तुम्हारा बात समझ गया। अगर किसान को तुमने कुआं बेचा है, तो उसके कुएं में तुम्हारा पानी का क्या काम? जल्दी से पानी को किसान के कुएं से निकालो, नहीं तो पानी पर किसान का हक हो जाएगा, क्योंकि कुएं का मालिक अब किसान है। तब जाकर पड़ोसी को उसके गलती समझ आया और माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि धोखे से कुछ भी हासिल नहीं होता, जल्द ही उसकी भरपाई करना पड़ता है।